हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सब सुरक्षित होंगे। ओके, सो हमने आपके जो पार्ट 2 है वो हमने वहाँ तक पढ़ा है, और आज के सेशन में हम आपका पार्ट 3 कुत्ते की वफ़ादारी, जिसका नाम है कुत्ते की वफ़ादारी, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी में जो है वो ये बताया गया है आपको, इस कहानी में जो आप देखोगे कि जानवर की जो इंसान के प्रति वफ़ादारी है उसके बारे में बताया गया है कि जो जानवर होता है वो इंसान के प्रति कितना वफ़ादार होता है। तो इस कहानी में हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो इस कहानी में एक जो कुत्ता है जो अपने स्वामी, जो अपने मालिक के प्रति जो है वो अपनी वफ़ादारी जो है वो दिखाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में काम कर देते हैं, और फिर बाद में उसके लिए पछतावा होता है हमारे मन में, हम पछताते हैं और हमें पछताने की नौबत आ जाती है कि हम जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा कुछ काम कर देते हैं। तो इस कहानी में भी जो कहानी में जो लेखक हैं वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझकर ही हमें कोई भी काम जो है उससे पहले हमें सोचना चाहिए। तो इस कहानी में जो है लेखक जो है वो हमें एक कुत्ते और एक बंजारे की कहानी के माध्यम से ये बता रहे हैं कि वो कुत्ता जो है वो अपने मालिक के प्रति कितना वफ़ादार है, और वो अपनी वफ़ादारी कैसे दिखाता है। और जो इस कहानी में जो है वो हमें इस बारे में पता चलता है कि हमें कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें जो लेखक है वो ये शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में जो उत्तर गुजरात के एक पाटन ज़िले में एक राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है, और वहाँ पर एक तालाब है, और तालाब के तट पर एक कुत्ते की समाधि बनाई गई है। किसकी समाधि बनाई गई है? कुत्ते की। तो आप लोगों को भी सुनकर ऐसे लग रहा होगा कि कुत्ते की समाधि, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज मैं उस कुत्ते की जो समाधि बनाई गई है उसकी जो किस क्यों बनाई गई थी, उसके जो पीछे की क्या कथा है, हर एक जो भी कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अगर वहाँ पर जो राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है, अगर वहाँ पर एक कुत्ते की समाधि बनाई गई है तो उस समाधि के बनाने का भी एक कारण है, और उस कारण को या उस कथा को आज हम पढ़ेंगे। और जब हम उस मतलब कहानी को हम सुनेंगे तो हमारा जो अंदर से दिल जो है वो हिल जाएगा। तो इस जो कहानी के जो लेखक हैं वो ललूभाई रवारी जी जो इस कहानी के लेखक हैं, और इस कहानी के माध्यम से वो हमें कुत्ते के जो वफ़ादारी और उसके जो मालिक के द्वारा जल्दबाजी में जो काम किया गया और फिर बाद में उसको पछतावा हुआ, उस बारे में हम बात करेंगे। तो एक बंजारा है जिसकी कहानी जो है हमें लेखक बता रहे हैं। तो बंजारा, आप लोगों को पता ही है कि बंजारे जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं और सामान बेचते हैं उन्हें बंजारे कहा जाता है, और वो अपने साथ कुछ जानवरों को भी रखते हैं। तो इसी तरह से इस कहानी में भी एक बंजारा है, और जो अपने जिसने एक कुत्ते को पाला है, और वो कुत्ता उस बंजारे के प्रति बहुत वफ़ादार है। तो इस कहानी में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो एक बंजारा था जो ऊँट पर गांव का माल जो था वो लाद कर शहरों में ले जाता था, और वहाँ से बिजली, गुड़, मसाले आदि भरकर जो था गांव तक ले आता था। तो उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए उसका नाम क्या था? लखा बंजारा। तो लखा बंजारा के पास एक सुंदर कुत्ता था, और कुत्ता जो था वो बड़ा वफ़ादार था।
जो रात को वह बंजारे के जो जगह जो पड़ाव था जहाँ पर वो रहता था वहाँ ही रखवाली करता था। अगर उसको चोर लुटेरे उसके पड़ाव के आसपास भी दिखाई देते तो कुत्ता उनको भोंक भोंक कर जो था वो भगा देता था। और बंजारा जो था वो अपने कुत्ते की वफ़ादारी से बहुत खुश था। तो एक दिन बंजारा व्यापार में मार खा गया, मतलब उसको घाटा पड़ गया अपने व्यापार में, तो उसको पैसों की ज़रूरत आ पड़ी। तो वो राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी उसको बात बताई और उसने सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा लेकिन तुम्हें कुछ गिरवी, मतलब कि मेरे पास कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि मुझे मतलब तुम पर भरोसा हो जाए, मैं तुम्हें कैसे पैसे दे सकता हूँ। तो लखा बोला कि मेरे पास तो कूटी कोड़ी नहीं है, मैंने अपना जो पैसे थे वो सब व्यापार में खो दिए, तो आप मेरी जुबान पर ही भरोसा रखिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके जो पैसे हैं वो सूद समेत ब्याज के समेत मैं आपको एक साल में ही चुका दूंगा। तो सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे ही कुत्ते को ही मतलब मुझे दे दो और मैं ये सूद सारे रुपये जब तुम लौटा दोगे तो मैं तुम्हारा कुत्ता वापस कर दूंगा। बंजारे को बहुत दुख हुआ लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक दिन सेठ के पास घर में चोरी हो गई और कुत्ते जो थे वो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और दूर जंगल में जाकर चोरों ने क्या किया, सारा जो माल सामान था वो ज़मीन के नीचे गाड़ दिया और वहाँ से नौ दो ग्यारह मतलब वहाँ से भाग गए। तो कुत्ता जो था भोंक भोंक कर कुत्ते ने सेठ को मतलब बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा कर ले गए हैं। तो सेठ जो था वह हक्का बक्का मतलब कि हैरान हो गया और कुत्ता जो था वो उसकी धोती पकड़कर उसको मतलब वहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर चोरों ने माल छिपाया था। तो वहाँ पर कुत्ते ने जाकर क्या किया, अपने पैरों से उस ज़मीन को खोद दिया और थोड़ा सा खोदने पर भी सामान वापस बाहर आ गया। सेठ को मतलब खुशी का कोई पार मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं रहा, वो इतना खुश हो गया और उसने कुत्ते को जो था वो प्रेम से थपथपाने लगा, मतलब उसने उसको प्यार से पुचकारा और कुत्ते की जो वफ़ादारी थी उससे वो मतलब कि मुग्ध हो गए, मतलब उसकी वफ़ादारी के प्रति वो एकदम से मतलब उसको इतना अच्छा लगा। और वो घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांध कर कहा कि कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लखा बंजारा के पास तुम जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है, क्योंकि मेरा जो खोया हुआ धन था वो मुझे वापस मिल गया। तो कुत्ता जो था वो खुशी के मारे मतलब भागता अपने मालिक के पास जाने के लिए वो बहुत खुश हुआ कि मतलब मुझे अपने मालिक से मिलना है। इधर से जो था मतलब जब वो रास्ते से लखा के पास जा रहा था तो लखा जो था उसने भी जो सेठ से पैसे लिए थे उन पैसों से उसने बहुत सारा अपना व्यापार जो अच्छे से चलाया। तो अभी वो भी उसको सेठ को पैसे वापस करने के लिए आ रहा था ताकि वो अपने कुत्ते को वहाँ से वापस ले ले, लेकिन उसने दूर से कुत्ते को अपने रास्ते में देखा क्योंकि कुत्ते को तो व्यापारी ने छोड़ दिया था सेठ ने। तो उसने जब देखा कि कुत्ता मेरी साइड आ रहा तो उसको बहुत गुस्सा आया और सोचने लगा कि कुत्ते ने क्या कर दिया, मेरी जुबान काट दी, मतलब मेरी जो मैंने जुबान दी थी सेठ को मतलब उसने उसको नहीं रखा, तो उसने बेवफाई कर दी, उसको ऐसा लगा तो कि कुत्ता जो है वो उसने बेवफाई कर दी, तो मैं अभी सेठ को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो उसने आप देखा ना ताब उसने मतलब ना सोचा ना समझा बस कुत्ते के ऊपर लाठी से प्रहार कर दिया, मतलब कुत्ते को लाठी से मार दिया। कुत्ता जो था वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी थी, मतलब पहले उसने उसको लाठी मार दी और बाद में चिट्ठी देखी, और चिट्ठी जब उसने खोलकर देखी तो तुम्हारे कुत्ते ने उसमें लिखा था सेठ ने कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे उसमें रुपये लुटा दिए, अंधा कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, उसने मेरे चोरी मतलब वैसे माल जो था वापस दिलवा दिया और मैं खुश हो गया हूँ उसकी मतलब वफ़ादारी से, तो मैंने उसे मुक्त कर दिया। लेकिन लखा तो चकित हो गया, मतलब परेशान हो गया, हैरान हो गया और वह चिल्लाने लगा हाय मैंने ये क्या कर दिया, मतलब इतना मतलब वो पछताने लगा। लेकिन अभी क्या करता, वो फूट फूट कर रो रहा था उसकी जो गोदी में उसकी शव को लेकर। लेकिन वही है ना, कहते हैं ना आप पछताए क्या होगा जब चिड़िया चूग के खेत, मतलब अभी क्या कर सकते क्योंकि अभी तो उसने वो कर दिया था, सोच समझ के नहीं किया, उसने ऐसे ही कर दिया। तो उसने उस वफ़ादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफ़ादारी की कथा संसार को सुना रही है, मतलब कि जब भी कोई उस समाधि को देखता है तो उस कथा के बारे में सुनता है और सब उस समाधि को देखते हैं और कुत्ते की जो वफ़ादारी की कहानी जो है वो सब याद करते हैं। तो ये जो कहानी थी जिसके
लेखक जो थे इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बता रहे थे कि एक तो उसने ये बताया कि कुत्ते की जो वफादारी अपने मालिक के प्रति, जो कुत्ता था, जो जानवर जो होते हैं वो बड़े वफादार होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कभी भी ऐसा कुछ कोई भी काम हो, चाहे ये तो उसने कुत्ते को लाठी मार दी ऐसे, अदरवाइज़ और भी कुछ भी हो, तो हमें कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर, हमेशा मतलब अपने माइंड में से सोच कर कि मैं ये काम करूँगा तो उस काम का क्या नतीजा होगा, तो उसको कभी भी कोई काम जल्दबाजी में हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शब्द अर्थ देखिए इसके, समाधि, समाधि होती है स्मारक जो एक बनाया होता है उसकी जात में, तो वफादार स्वामी, स्वामी भक्त, तो जो अपने स्वामी को, अपने मालिक को भक्त, भक्ति करता है अपने मालिक की, मतलब उसको भगवान की तरह पूछता है। बंजारा एक विचरती जाति, एक जाति होती है बंजारा, और पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहरा, मतलब पड़ाव की जब आपको पता है जो बंजारा होता है वो जगह जगह घूम कर व्यापार करता है, तो जहाँ भी वो थोड़े टाइम के लिए रुकता है उस जगह को पड़ाव कहा जाता है। तो लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएँ रखना, मतलब लादना किसी चीज़ को, लुटेरा लूटने वाले, डाकू, मिश्री, मिश्री में चीनी शक्कर, लौटाना वापस आना, मुग्ध आसक्त मोहित, मतलब कि मोहित होना जाना हमने किसी के ऊपर, मोहित हो जाना, सूद, सूद मतलब ब्याज जो इंटरेस्ट लगता है पैसों के ऊपर, शव, मृतदेह मतलब शव मतलब जो मरा हुआ उसका शरीर जो होता है, गोद होती है, आंचल के। सो आगे देखिए मुहावरे जो हमने कहानी में इस्तेमाल करे हैं, हृदय हिल जाना, हृदय मतलब दिल जो है, हृदय को द्रवित करना कि हमारा मतलब हृदय हिल जाना, इस कहानी को सुनकर हमारा जो हृदय वो हिल गया, नौ दो ग्यारह हो जाना, नौ दो ग्यारह होना भाग जाना, मतलब चोर पुलिस को देखकर नौ दो ग्यारह हो गया, मार खा जाना मतलब नुकसान होना, तो लखा को जो बंजारा था उसको अपने व्यापार में उसने मार खा ली, हक्का बक्का रह जाना चकित होना, तो हक्का बक्का रहना मतलब कि इसके लिए आप ऐसे कह सकते हो कि जब सेठ ने मतलब अपना जो सामान था चोरी हुआ, जब उसने उसको ज़मीन के नीचे गाड़ा हुआ देखा तो सेठ जो थे वो हक्का बक्का रह गए। फूटी कोड़ी ना होना अत्यंत ग्रीफ होना, तो बंजारा के पास एक फूटी कोड़ी नहीं थी, आप देखा ना ताप मतलब बिना सोचे समझे काम करना, तो लखा ने ना आप देखा ना ताप देखा और क्या कर दिया, लाठी कुत्ते के ऊपर लाठी का प्रहार कर दिया। कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना, रास्ता ना होना, तो लखा को कोई भी चारा नहीं दिख रहा था सेठ के पास अपने कुत्ते को छोड़ने के सिवा। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना, तो जब लखा को सारी सच्चाई का पता चला तो लखा क्या था, फुट फुट कर रोने लगा, तो जिसके मुहावरे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कहावत, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा, मतलब जब कोई भी काम हो जाता है फिर हम उसको, चाहे उसके बाद हमें कितना भी पछताप हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इस कहावत का ये अर्थ है। तो आज के लिए हम जहीं तक रखेंगे, अभ्यास जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।